एक साल से भूत प्रेत के चक्कर में आश्रम जाता था परिवार, अब कमरे में मिली तीन की लाश। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं आरिफ खान और आप देख रहे हैं श्रावस्ती टुडे न्यूज। बता दें कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक ही परिवार के तीन लोगों के मौत की खबर की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। यहाँ एक घर में पिता का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला, तो वहीं जमीन पर मृत अवस्था में उसके बेटे और बेटी पड़े मिले। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने घटना स्थल का मुआयना करके जांच पड़ताल शुरू कर दी है। घटना थाना द्यूरिया क्षेत्र के रंबोजा गांव की है। घटना बुधवार सुबह की है। यहां थाना द्यूरिया क्षेत्र स्थित रंबोजा गाँव निवासी 45 वर्षीय बालक राम का शव उसी के घर में फांसी के फंदे पर लटकता मिला और मृतक बालक राम का 11 वर्षीय बेटा निहाल और 15 वर्षीय बेटी शालिनी का शव जमीन पर पड़ा हुआ मिला। मृतक का छोटा बेटा प्रभात ने सुबह उठकर देखा तो तीनों मृत अवस्था में पड़े थे। यह देखकर वो चीख पुकार करने लगा। वहीं एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत की खबर गांव में फैलते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के साथ घटना स्थल का मुआयना कर तीनों लाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घटना स्थल के आसपास के लोगों और परिजनों से पूछताछ कर जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार ने बताया कि एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत होने की सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। वहां 45 वर्ष का बालक राम, उसका 11 साल का बेटा निहाल और 15 साल की बेटी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। प्रथम दृष्टि तीनों की मौत को लेकर भूत प्रेत के प्रति बाधा जैसी स्थिति प्रकाश में आई है। साक्ष्य इकट्ठे करके कार्रवाई की जा रही है। ये लोग करीब एक साल से भूत प्रेत के चक्कर में किसी आश्रम पर भी जाते थे। इसे लेकर पुलिस गहनता से जांच पड़ताल कर रही है और जल्द ही घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। बता दें कि मृतक बालक राम बीते 3 साल से गांव के बाहर खेत में घर बनाकर परिवार के साथ रहता था। घटना के समय मृतक बालक राम की पत्नी और उसका बेटा बड़ा बेटा अपनी रिश्तेदारी में गए थे। इसी दौरान सुबह मृतक बालक राम ने फांसी लग के फंदे पर लटक कर अपनी जान दे दी। वहीं मृतक का 11 वर्षीय बेटा और 15 वर्षीय बेटी भी संदिग्ध अवस्था में जमीन पर मृत पड़े मिले। इसकी सूचना मृतक बालक राम के बेटे ने सुबह दी। फिलहाल एक ही परिवार के तीन लोगों की संदिग्ध मौत को लेकर काफी चर्चा हो रही है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कहाँ रहते हैं आप? हम रंबोजा में। अच्छा, ये जो लोगों की मौत हुई है, ये कौन है आपके? वो हमारे जेठ थे। जेठ थे, क्या हुआ था, क्या सूचना मिली थी आपको? मुझे कुछ पता नहीं थी, हम यहाँ ही नहीं थे। हम तो सुबह क्या सूचना मिली, सुबह क्या सुबह जो सूचना मिली, इनकी नानी घर से फोन आया जी। इनके बड़े भाई के पास जी, कि उन्हें मित्री बताओ कि तुम्हारे पापा ने फांसी लगा ली, इतना पता लगा बस, और कुछ नहीं पता लगा। अच्छा, ये किसकी किसकी मौत हुई है? बेटी का, उनकी बेटी की भाई। क्या नाम है बेटी का? शालिनी। और बेटे का नाम क्या? निहाल। निहाल, और जिनकी मौत हुई है? बालक राम। हाँ। अच्छा, इसके अलावा इनके परिवार में और कौन कौन है? इनके परिवार तो बहुत बड़ा है, मेरे ससुर चार भाई हैं। घर में कौन कौन है इनके? यहाँ पर, यहाँ पर जो तीन भाई थे। अच्छा। और एक बेटी थी। अच्छा। और बड़े लड़का की शादी हुई है, उसकी बहू थी। उनका क्या नाम है? शिवम। शिवम, और इस बच्चे का नाम? प्रभात। अच्छा, कोई कारण अभी तक कुछ नहीं? कोई कारण नहीं था, अपने अपने यहाँ तो कोई लड़ाई बड़ाई कुछ नहीं थी। अच्छा, कोई बात नहीं थी। कोई ऐसी कोई घटना कोई परिवार में पहले नहीं, आया होगा? रात में बेटा कोई घर में आया था यहाँ? नहीं। कोई बाहर काल का व्यक्ति आया हो? आया हो या नहीं आया, जो तो सोते थे। काफी दूर पड़ जाता है ना। हाँ, गांव से काफी दूर है। ये घर में नहीं रहे थे रात में? यहाँ पर सोते थे। हम बच्चा है, दिन भर काम करता है, सो जाता है। ये लड़का जो यहाँ पे लेटा था और भाई बहन उसके जो साथ में लेटे हुए थे, भैया, और जो बड़े वाले जो लड़का था उनका वाला, वो अपने बुआ के घर पे गया था। हाँ, हाँ। और इनकी जो वाइफ थी वो अपने मायके गई, मायके गई थी। अच्छा। बर्थडे था। मायके कहाँ है इनका? जीराम है। अच्छा। तो यहाँ पे क्या नाम है, उनका पिताजी इधर लेटे थे और फांसी वहाँ पे लगाई गई थी। अच्छा अच्छा। ये लड़का यहाँ पे लेटा था। अच्छा। प्रशांत, और वो लड़की और लड़का जब जिसने देखा कि वो तो खत्म हो गए खटिया पे, जैसे उनके मुंह में से झाग आ रही थी, ये लड़का बता रहा था, जैसे हमें फोन आया, जैसे मैं रिश्तेदार का हूँ दूर का, तो झाग आई थी, ये भागता हुआ अपने चाचा के पास चला गया। हमारे भी बहनों ही हैं यहाँ रंबोजा में जी। वो वहाँ पर गाँव में उनको बुलाने चले गया, तो उनके जो भाई आए वहाँ पर लाश लटकी थी, वैसे लेटे वो यहीं पे थे। अच्छा अच्छा जी।
ये कारण नहीं पता लग पा रहा, यहाँ से वहाँ लाश चली गई। अच्छा अच्छा, मतलब ये लेटे वहाँ थे, लाश लाश इधर बरामद हुई। अच्छा, देखिए द्यूरिया कला के रंबोजा गांव में बालक राम नाम के व्यक्ति, उम्र 45 वर्ष करीब है, उनके 4 बच्चे हैं, उनमें से रात में बालक राम और उनके जो पुत्री शालिनी और एक निहाल नाम के पुत्र की जो है बॉडी अभी घर पे मिली है, उसको सूचना पुलिस को मिलते तुरंत हम लोग सब पहुंच गए फील्ड यूनिट के साथ। ये पता चल रहा है कि जो बॉडी मिली है बालक राम फांसी में लटकता हुआ मिला है और दो बच्चे उनके शालिनी एवं निहाल जो है तखत पे मृत्यु अवस्था में मिले हैं। उस घर में उनके साथ एक और बच्चा भी सो रहा था, प्रभात नाम के लड़का, लगभग 14 वर्ष के बच्चा है, वो भी सो रहा था। सुबह उठ के जैसे उसने देखा उनके भाई और उनके बहन जो है तखत पे मृत्यु अवस्था में लेटे हुए हैं और उसने तत्काल घर के अंदर की कुंडी खोल के बाहर निकला और अपने चाचा को इन्फॉर्म किया। वापस लौट के देखा तो एक और कमरा है, उसमें उनके पिता भी फांसी में लटकते हुए मिले हैं। फील्ड यूनिट बुला के सारे सबूत इकट्ठे किए हैं और इनको पोस्टमार्टम पैनल से कराया जाएगा, पंचनामा भर के बॉडी को पोस्टमार्टम में तो भेजा जा रहा है। बाकी आगे की हम लोग विवेचना में जुटे हुए हैं। परिवार वालों से वार्ता करने पर ये परिवार वालों का कहना है, पिता बालक राम एवं उनके जो बेटी शालिनी, ये भूत की और भूत प्रेत के संबंध में कुछ इन्होंने अपनी शिकायत बताया है। एक साल पहले तक किसी आश्रम में जाते थे और ये इनके ऊपर जो है भूत आने का परिवार वालों का कहना है। इस संबंध में भी जांच किया जा रहा है, पीएम के बाद मृत्यु के कारण पुष्ट हो जाएगा। क्या नाम है आपका? हाय भैया। माता जी है? हाय मैंने तो खाई ले। अच्छा अच्छा, हाय भैया। हेलो, माता जी कहाँ थी? हाय माता जी कहाँ थी? हाय भैया, हाय भैया, चांदर गांव में। हाय भैया, आप कहाँ रहती हो? हम गांव रहते हैं। अच्छा, हाय भैया, हम अपनी मड़ैया में रहते हैं। बहुमत दिए ने नाय खाओ के बनते, मैंने कही हम भैया यहाँ पर नहीं, हमें खाओ ना खाई लो। अच्छा, हमें तो कहते ही निपटन दे कर ले रहा था। हाय भैया, अब लला हमारे 4 पिरानी घर आए, बाजार से सौदा लाए, हमने देखे मुझे कौन तनाए। हाय मेरे सास मोहन की लड़ाई थी जी, जेठ हम तो उसे हम नहाए आए यहाँ। हाय भैया, हाय हम नहाए आए ना कभी। हाय भैया, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।